और वहीं गुजरात में पीएम मोदी आज कहां कहां पर करेंगे रैली। गुजरात चुनाव में आज राहुल गांधी की भी एंट्री होगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए कितने मंत्रियों ने रोड शो करके मांगा है वोट। किसने कहा दिल्ली दंगे का बदला आम आदमी पार्टी से ले जनता। चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए इलेक्शन टॉप नाइन। गुजरात में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में 7 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज सुरेंद्र नगर, नवसारी और जम्बूसर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात में तूफानी दौरा जारी है। अमित शाह 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे द्वारका में पहली रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात के सूरत और राजकोट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गुजरात चुनाव के ऐलान के बाद राहुल गांधी की गुजरात में ये पहली रैली है। राहुल गांधी आज दोपहर 2 बजे सूरत में और शाम 4:30 बजे राजकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज शाम 5 बजे अमरेली में रोड शो कर आप उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। कल केजरीवाल गुजरात में आपके सीएम उम्मीदवार ईशुद्दीन गढ़वी की सीट खंबालिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कूड़े को लेकर बीजेपी और आप के बीच जुबानी जंग तेज। केजरीवाल ने कहा बीजेपी दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बनाकर लोगों को बांट रही है कैंसर। किसी हाल में अब बीजेपी को कूड़े के पहाड़ नहीं बनाने देना है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगम विहार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तम नगर में रोड शो कर उम्मीदवारों के लिए मांगा वोट। जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली में आपने दंगे कराए, एमसीडी चुनाव में जनता सिखाए सबक। दिल्ली एमसीडी चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में थामा आम आदमी पार्टी का दामन। द्वारका से आप विधायक विनय मिश्रा के पिता हैं महाबल मिश्रा। बीजेपी ने गुजरात में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे 2 पूर्व विधायकों समेत 7 नेताओं को पार्टी से किया निलंबित। हर्षद वसावा, अरविंद लदानी, छत्र सिंह गुंजारिया, केतन भाई पटेल, भरत भाई चावड़ा, उदय भाई शाह और करण भाई बरैया 6 साल के लिए किए गए सस्पेंड। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 67 उम्मीदवारों की नामांकन वापसी के बाद मैदान में बचे 1349 उम्मीदवार। 640 पुरुषों के साथ 709 महिला उम्मीदवार भी ठोक रही हैं ताल। एमसीडी चुनाव में तीनों प्रमुख पार्टी बीजेपी, आप और कांग्रेस ने 50% से ज्यादा महिलाओं को बनाया है उम्मीदवार। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।